जब से दुनिया शुरू हुई तभी से समय का गणित चलता आ रहा है। इसे हिंदू धर्म में काल गणना कहा जाता है, यानी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की चाल की गणना करना। वही हमारे घर की दीवारों पर टंगा कैलेंडर ग्रेगरी यानी रोमन कैलेंडर है, लेकिन पंडितों के पांचांग विक्रम संवत पर बने हैं, जिसे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने लगभग 57-58 ईसा पूर्व शुरू किया था। इस हिसाब से देखें तो ये कैलेंडर 2080 साल पुराना है। विक्रम संवत सूर्य और चंद्रमा की चाल के आधार पर चलता है, उसी के हिसाब से साल भर के तीज त्योहार की तारीखें तय की जाती हैं। आज भारत में ग्रेगरी कैलेंडर के साथ दो तरह के कैलेंडर चलन में हैं, शालिवाहन और विक्रम संवत। जानकर हैरानी होगी कि भारत का पहला कैलेंडर 29,102 ईसा पहले बना था, जिसे राजा मनु ने शुरू किया था। आज दुनिया भर में 30 से ज्यादा कैलेंडर हैं, जबकि भारत में ही 20 पांचांग है। इसका कारण है कि राजा नया संवत कैलेंडर इसलिए चलाते थे ताकि प्रजा में ये संदेश जाए कि नए युग की शुरुआत हो रही है। चलिए अब आपको वैदिक काल के कुछ कैलेंडर के बारे में बताते हैं। स्वयंभुव मनु संवत, इसे राजा मनु ने शुरू किया था 27,376 ईसा पूर्व। ध्रुव संवत, इसे राजा मनु के वंशज ध्रुव ने शुरू किया था 17,500 ईसा पूर्व। कश्यप संवत, सप्त ऋषियों में से एक कश्यप ऋषि ने इसे चलाया था 15,800 ईसा पूर्व। कार्तिकेय संवत और 13,902 ईसा पूर्व विवस्वान संवत। दोनों ही कैलेंडरों के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। वहीं श्रीराम के युग में किसी पांचांग का जिक्र नहीं है, लेकिन महाभारत काल में नए कैलेंडर चालू हुए। ऐसे ही युधिष्ठिर काल में चार तरह के पांचांग थे। वहीं विदेशों में भी अपने तरीके से समय की गणना की जा रही है।